रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम खलवारा सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा लग रहा है आज के दिन आप लोगों के साथ बातचीत करना। जैसा कि अभी बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने चिल्ड्रंस डे के बारे में बताया कि किस लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जब जन्म हुआ था उस दिन 14 नवंबर 1889, तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस के तौर पर बनाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, और भारत में 1964 यानी कि जिस वर्ष हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री उनकी जब डेथ हुई थी, उस साल से हमारे देश में 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर बनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, और नवंबर में जो पूरा महीना है लगभग वो संविधान मंथ के तौर पर हम बनाते हैं। तो संविधान के बारे में पिछले हमारे जो असेंबली थी उसमें नायब सर ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को बताई, उन्हीं से कुछ मिलती जुलती मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताने की आज कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें हम बेसिकली कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम संविधान के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री इज द फादर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो बिना इतिहास के कुछ भी संभव नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित रूप में किस देश का है, कोई बच्चा बताना चाहेगा? किस देश का सबसे बड़ा लिखित? भारत का। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। तो किसी कंट्री का, यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं प्यारे बच्चों, यूएसए काफी सारे छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना है। तो वहां पर एक स्टेट है अलाबामा, लेकिन वो एक सॉवरन कंट्री नहीं है, वो अपने आप में कंट्री नहीं है, वो किसी के अंडर है। अदरवाइज जो लॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में रिटन, वो अलाबामा का है, ठीक है? तो कंफ्यूजन, आई थिंक आपको ये कुछ नया जानने को मिला कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, किसी कंट्री की जब हम बात करें। अदरवाइज सबसे बड़ा जो है अलाबामा, यूएसए का एक स्टेट है, उसका है। हमारे यहां पर लगभग 1.5 लाख अक्षर हैं, उनके वहां पर 4 लाख अक्षर हैं। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अभी आप लोगों का एक क्विज भी होना है, उसमें आपको यह काफी हेल्पफुल रहेगा प्यारे बच्चों। अब इतिहास जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि आप सबको पता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी, उसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई थी पहली बार भारतीयों के द्वारा कि एक संविधान बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ एक कदम बढ़ाया गया था, लेकिन वो किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो एक बड़ी कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। संविधान हमारा जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949। लेकिन हमने इसको लागू कब किया, कब से ये इफेक्ट में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? यस, 26 जनवरी 1950। तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और 10th क्लास के बच्चे जान रहे होंगे, हालांकि वो अभी क्लासेस में है, कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में एक जो कांग्रेस सेशन था, उसमें ये पहली बार डिमांड की गई थी कांग्रेस के सेशन की तरफ से। उससे पहले डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में है कि हमारा राजा जो है वो इंग्लैंड का रहेगा और शासन हम करेंगे अपने देश पर। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे काफी युवा नेता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की। तो 1929 का कांग्रेस का वो सेशन लाहौर में, वहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई, और यह कहा गया कि अगले वर्ष यानी दिसंबर में सेशन हुआ था 1929 में, अगले वर्ष की 26 जनवरी यानी कि कौन सा साल आ गया अब, 1930, 29 में सेशन हुआ था, 30 में अब 26 जनवरी को उन्होंने
पहला इंडिपेंडेंस डे के तौर पर रावी नदी के किनारे हमारे नजदीकी जो है यहां पर पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसको इसलिए 26 जनवरी को किया गया क्योंकि इससे पहले 1930 26 जनवरी को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमने बनाया था उसकी इंपोर्टेंस को देखते हुए। और प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला ही पेज है प्रीएम्बल, जिसको प्रस्तावना आप सभी की किताबों में शुरू में ही प्रीएम्बल लिखी हुई है, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट की आपकी बुक हो, ये जो प्रीएम्बल है इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आत्मा। इसको किसने लिखा था क्या आप में से कोई बता सकता है? हमारे देश के जिनका आज जन्मदिन है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसका आइडिया हमने अमेरिका से लिया था। प्रीएम्बल बहुत ही खूबसूरत प्रीएम्बल लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। फिर जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, और इसी प्रीएम्बल में लास्ट में लिखा है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमने एडॉप्ट तो कर लिया था ये 26 नवंबर को, लेकिन अफेक्ट इसका कब से आया था? 26 जनवरी 1950, और उसी दिन हमारा देश जो है वो रिपब्लिक बना था। रिपब्लिक, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिपब्लिक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं जो आपको पहले से पता है, जस्ट वी विल रिवाइज इट। तो सबसे जो फंडामेंटल राइट है ये हमने अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने कहीं ना कहीं आइडिया लिया है, और हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको थोड़ा अलग करके लिखा है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है आपको आर्टिकल 14, टोटल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था प्यारे बच्चों 395 आर्टिकल्स थे हमारे, आज 470 है क्योंकि काफी अमेंडमेंट्स भी उसमें होते हैं। यानी कि कोई चीज अगर समय के साथ, जैसे पहले मोबाइल नहीं थे, अब धीरे धीरे मोबाइल आ गए, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमें अमेंडमेंट करनी है, तो वो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती रही है। तो 105 टोटल अमेंडमेंट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 395 आर्टिकल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें थे। तो उसमें जो 14th नंबर था आर्टिकल, वो कहता है राइट टू इक्वालिटी, यानी हर, मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। और आर्टिकल 15, अभी आपका जो क्विज होगा उसमें काफी हेल्पफुल होने वाला है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के साथ भी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, यानी कि फंडामेंटल राइट यानी कि बहुत ही जबरदस्त चीज, यानी हर भारत के नागरिक को वो फंडामेंटल राइट है, उनको कोई छीन नहीं सकता है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 17 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 17। तो ये हिंदू जाति के उन कुपड़ लोग जो ऊंच और नीच का, जिन्होंने ये व्यवधान बनाया था हमारे देश में, उन लोगों के लिए खतरा था ये। तो आर्टिकल 17 ने किसके लिए खतरा पैदा किया? उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने जाति व्यवस्था का स्टार्ट किया था, और इससे हमारी जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत एबॉलिश कर दिया गया हमारे संविधान में, कि आर्टिकल 17 के तहत अब कोई भी व्यक्ति छुआछूत की जो व्यवस्था है उसको अगर अपनाएगा या उसको किसी भी रूप में करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 17 फॉर एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा, समझ आ रही है? ओके, थैंक यू। फिर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है प्यारे बच्चों, हमारे जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी अगर हमारे देश में 3 तरीके की लगती है, अगर वो लगती है तो सारे के सारे फंडामेंटल सस्पेंड हो सकते हैं बनिस्पत आर्टिकल 21 के। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ,
यानी जिंदगी जीने का अधिकार, चाहे किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगी हो, उसको छीना नहीं जा सकता। और जैसा कि आपको पिछले उसमें नायब सर ने बताया था कि 21 जो अभी जो साल 2002 है उसी में ही अमेंडमेंट किया गया एक 21A, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन उसमें जोड़ा गया। ये हर बच्चे का अधिकार है, 6 से लेकर 14 साल की वर्ष उम्र तक उनको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और इसी के साथ ही मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ और कितना समय लगा, कहां से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने आपके साथ साझा किया। मैं उम्मीद करता हूं इससे आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। तो अंत में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आप सबका दिन शुभ हो।